पलवल विधानसभा सीट दक्षिण हरियाणा की वो सीट है जिसे 1990 के बाद से करण सिंह दलाल के नाम से जाना जाने लगा है। दलाल ने यहां से पिछले 6 में से 5 चुनाव जीते हैं। जाट, पंजाबी और गुर्जर समुदायों के प्रभाव वाली इस सीट पर इनेलो ही करण सिंह दलाल को कड़ी टक्कर देती रही है। पलवल सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार करण सिंह दलाल ही थे जो 2009 का चुनाव इनेलो के सुभाष चौधरी से हार गए थे। 1991 से चुनावी राजनीति की शुरुआत करने वाले दलाल ने पलवल से लगातार अपने पहले 4 चुनाव जीते। करण दलाल 1996 की बंसीलाल सरकार में लोक निर्माण विभाग और कृषि जैसे महकमों के मंत्री रहे। पलवल के राजनीतिक इतिहास पर एक नजर डालते हैं। साल 1952 में कांग्रेस के गुरुदत्त सिंह भाटी पहले विधायक चुने गए। 1962 में कांग्रेस के रूपलाल मेहता यहां से विधायक बने। 1967 में निर्दलीय धन सिंह जैन जनसंघ के मूलचंद जैन को पराजित कर विधायक बने। 1968 में रूपलाल मेहता ने फिर यहां से बाजी मारी। 1972 में चौधरी श्याम सिंह तेवतिया विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी के मूलचंद मंगला कांग्रेस के कल्याण सिंह को पराजित कर विधायक बने। 1982 में कल्याण सिंह को विधायक बनने का मौका मिला। 1987 में सुभाष चंद्र कत्याल ने कांग्रेस उम्मीदवार को मात दी। 1991 में करण दलाल ने पहली जीत दर्ज की। 1996, 2000, 2005 इस दौरान करण दलाल ने यहां अपना कब्जा बरकरार रखा। 2009 की बात करें तो 2009 में सुभाष चौधरी विधायक बने तो 2014 में फिर करण दलाल विधायक चुने गए। पलवल सीट पर इस बार भी मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। करण दलाल के लिए बड़ी चुनौती इस बार बीजेपी से मिलने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि पलवल की जनता करण दलाल पर फिर से भरोसा दिखाती है या फिर किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को चंडीगढ़ भेजती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश एमएलए साहब में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। हम लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां के जो एमएलए हैं उनसे बात कर रहे हैं और उनके क्षेत्र के लोगों के सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में अब तक कितना काम किया और अगर काम नहीं कर पाए तो उसकी वजह क्या रही। आज हम हैं पलवल विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ पलवल से विधायक करण सिंह दलाल जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दलाल साहब जी। थैंक यू सर। 5 साल का वक्त लगभग गुजर चुका है, एक बार फिर से चुनाव का माहौल है। जब भी चुनाव होते हैं तो कोई भी प्रत्याशी बहुत सारे वादों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। ये जो 5 साल का वक्त आपका गुजरा, अपनी विधानसभा के लिए किए गए कामों से कितना संतुष्ट हैं और अगर कहीं पर कुछ काम नहीं हुए तो उसकी वजह क्या रही। जो हरियाणा की विधानसभा में मैं 5वीं दफ़ा पलवल के क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों ने मुझे चुन करके भेजा है और इस हरियाणा में कई तरह की सरकारें मैंने देखी हैं। मैं खुद भी सरकार में मंत्री रहा हूँ और सरकारों की एक मर्यादा हुआ करती है कि जो बातें हम विधानसभा के अंदर उठाते हैं लोगों की दुख तकलीफ़ों का मुद्दा बना करके सरकार को उस तरफ उनको एहसास दिलाते हैं कि कहां कहां किन किन कामों की ज़रूरत है और जिस तरीके से हर उम्मीदवार लोगों के सामने चुनावी वायदे करता है उसी तरीके से पार्टियों के घोषणा पत्र होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें जो हरियाणा के लोगों को सजग मार्ग दिखाए गए थे और ख़ास करके हमारे अपने इलाके की सबसे बड़ी जो ज़रूरत इस इलाके की थी जिसका वायदा बीजेपी के घोषणा पत्र में भी था और हमने भी लोगों से चुनावी वायदा किया था कि जो धरती के नीचे का जल स्तर है वो नीचे की तरफ खिसक रहा है और 2/3 पलवल जिले की धरती के नीचे जो पानी है वो खारा है। किसानों को रजवाहों में पर्याप्त पानी नहीं मिलता इसलिए फसलें ठीक तरीके से वहाँ पर पैदा नहीं होती हमारे इलाके में।
तो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत थी, भारतीय जनता पार्टी का भी वादा था कि जो यमुना के ऊपर बैराज बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यमुना के ऊपर पीने के पानी के ट्यूबवेल जो बोर किए गए हैं, जो मेवात तक के लोगों को पीने का पानी देते हैं, तो जल स्तर नीचे की तरफ जा रहा है। ये सवाल लोगों ने पूछा भी था और आपने पहले उसका जवाब दे दिया। इसके अलावा कुछ गांव के लोगों के सवाल हैं जो आपके पलवल विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, वहां पर वही बिजली और पानी की समस्या, और खासतौर से किसानों के लिए भी कि सरकार कह रही है कि टेल तक पानी पहुंचाया गया हमारी तरफ से, तो अगर नहीं पहुँचा तो आपने उसके लिए क्या कुछ कोशिश की एक विधायक होने के नाते? हरियाणा की विधानसभा में यहाँ ग्रीवेंसेज कमेटी की जो मीटिंग होती है, मासिक हमारी बैठकें होती हैं, जिसमें हरियाणा के मंत्री होते हैं, सारा जिला अधिकारी वहाँ होते हैं, वहाँ हमने ये मुद्दा उठाया कि जो भी हमारे रजवाए हैं उनके अंतिम छोर तक पानी नहीं आता है। बिजली और पानी की इतनी बड़ी समस्या हमेशा इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में बनी रहती है, दूर दराज तक के जो इलाके हैं वहाँ ना कोई सुनने वाला है, और पानी चलाना, रजवाहों में पानी चलाने की रिश्वत जो अधिकारी हैं मांगते हैं, बिजली की खराबी में कोई भी दिक्कत आती है बिजली को ठीक करने की रिश्वत मांगी जाती है, ट्रांसफार्मर बदलने की रिश्वत मांगी जाती है, तो ये एक प्रमुख समस्या है जो हमारे इलाके अभी, की अभी मांगी जा रही है रिश्वत। अब तो सरकार ये कह रही है कि जीरो टॉलरेंस, हम तो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के लिए, फिर ऐसा क्यों हो पा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के जो वायदे हैं, जो मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा व्याप्त हो चुका है कि कोई भी काम बिना पैसे दिए नहीं हुआ करता। और पलवल की तो बदकिस्मती है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जो यहाँ का एक आदमी वहाँ एक मुलाजिम के तौर पर पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना बैठा है, यहाँ पलवल नगर परिषद में जितने करोड़ों रुपए की धांधली चल रही है, नालियों के निर्माण में, सड़कों के निर्माण में, पीने के पानी के पाइप डालने के निर्माण में, सीवरेज के निर्माण में करोड़ों रुपए की धांधली हो रही है, और हमने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया, यहाँ भी हमने सरकार की तरफ ये कई दफ़ा इशारा किया है, लेकिन भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, छुटभैया नेता हैं, वो भ्रष्टाचार की गतिविधियों में संलिप्त हैं। आपका ये कहना है कि आप विपक्ष के विधायक हैं, इसलिए आपके विधानसभा क्षेत्र में काम में अड़ंगा लगाया जा रहा है। सरकार ये कहती है, मुख्यमंत्री बार बार लोगों के बीच जाकर ये कह रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए भी, पहले भी, कि हमने समान काम और समान विकास किया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जो ओछी सोच है, उस ओछी सोच से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री और इनके कार्यकर्ता बाज नहीं आ रहे हैं, और ये जो दुर्भावना इनके अंदर है, खास करके हमारे इलाकों के साथ, वो जग जाहिर है। आप कहीं भी जा करके देख सकते हैं कि जो इन्होंने कहा था कि हरियाणवी एक, हरियाणा एक, और वो सारे उस नारे की धज्जियाँ आपको यहाँ उड़ती हुई नज़र आएंगी। हमारे कांग्रेस हुकूमत में जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, इतने विकास कार्य हमने किए, गांवों का विकास किया, शहर का विकास किया, पलवल को जिला बनाया, जिला सचिवालय बनाया, पीने के पानी का बंदोबस्त किया, सीवर डलवाने का काम किया, यहाँ नालों को बनाने का काम किया, पार्क बनाने के काम किए, हॉस्पिटल्स बनाए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर राजकीय महाविद्यालय हमने यहाँ बनाया, विश्वविद्यालय हमने यहाँ पर बनाने की शुरुआत की। वो आधे कामों को बीजेपी की सरकार ने हमारे साथ सौतेला बर्ताव करते हुए उन सारे कामों को रोक दिया, और हमारे स्कीमों को निरस्त करके तमाम वो स्कीमें मुख्यमंत्री जी करनाल के इलाके में, अपने इलाके में ले जा करके अपने लोगों को राजी करने में लगे। करंदलाल साहब, क्या ये हरियाणा की परंपरा है राजनीति की कि विपक्ष के जो क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां विपक्ष के विधायक हैं, वहां सरकारें उनके साथ भेदभाव करती हैं? पहले आपकी सरकार पर भी इसी तरह के आरोप लगते थे, तो क्या उसी की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी इससे इनकार करती है कि हम ऐसा नहीं करते? नहीं, हमारी तो ये मिसाल है हरियाणा के अंदर, 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, हुड्डा जी के राज में विपक्ष और सरकार जैसे कहीं भी कोई अंतर नज़र नहीं आते थे। मिसाल के तौर पर मैं तो चुनाव हार गया था, होडल से चौधरी उदयवान जी चुनाव हारे थे, लेकिन इतने विकास कार्य हमारे इलाके में किए गए जितने एक सत्ताधारी दल का विधायक भी नहीं करा सकता। तो कांग्रेस के अंदर सभी वर्ग और सभी समाज को साथ लेकर के सबका विकास करने का हमने जो इस हरियाणा के अंदर एक संकल्प लिया और हमने कार्य करके दिखाए, लोग आज भी याद करते हैं कि हुड्डा जी का जो राज था, कांग्रेस का जो राज था,
उसके अंदर लोगों का भाईचारा बना हुआ था, सभी मिलकर के काम करते थे, लोगों की जेब में पैसे हुआ करते थे, लोगों के हाथ में काम हुआ करता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को बेघर किया हुआ है, बेरोजगार बना दिया। आपको लगता है ये कामयाब हो पाएगा? सरकार का कहना है कि हम चाहते हैं कि दुर्घटनाएं कम हों, लोग ट्रैफिक जो नियम है उनका पालन करें और अपने लिए कुछ बेहतर करें, तो इसलिए हमने ऐसी कोशिश की है। ये जो काला कानून है केवल पुलिस कर्मियों की कमाई का एक जरिया इन्होंने और बनाने का काम किया है, क्योंकि अब जो ट्रैफिक के जो कर्मी हैं, पुलिस कर्मी, वो उनकी जेबें भरने का धंधा इस काले कानून को बनाने के बाद हरियाणा में लागू हो चुका है। और अखबारों में हम रोज़ पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो भोले भाले लोग हैं उनके ऊपर इतने बड़े जुर्माने लगाए जा रहे हैं, या तो उनसे रिश्वत मांगी जाती है, रिश्वत नहीं देने की सूरत में उनके ऊपर जुर्माने लगाए जाते हैं। बताइए कि एक सवाल ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का यहाँ पर कोई प्रपोजल था, उसको लेकर लोगों ने पूछा है, तो वो अभी तक कागजों में सिमटा रहा है, उस पर कुछ काम हुआ और नहीं बन पाया, तो उसकी वजह? नहीं, ट्रांसपोर्ट नगर का बाकायदा शिलान्यास पिछली सरकार में मुख्यमंत्री जो उन दिनों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने शिलान्यास किया, हमने ज़मीन एक्वायर की और सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस 5 साल के शासन में इन्होंने हमारी उस स्कीम को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और आज ट्रांसपोर्ट नगर अलग से ना होने की वजह से शहर के अंदर जो जाम लगते हैं, जो बदहाली नज़र आती है, वो ट्रांसपोर्ट नगर का ना होना है, जिसको हमने शुरू कर दिया था, बीजेपी ने उसको बंद किया है। आपकी कोशिशें आपकी पार्टी के अंदर भी काफ़ी देखी गई, अब तो हुड्डा साहब को भी नई जिम्मेदारी मिली है, आपके अध्यक्ष भी बदल चुके हैं और आप भी पसंद नहीं करते थे उनको, तो उसकी वजह क्या थी? अशोक तंवर साहब को आपको क्यों ऐसा लगता था कि उनकी कयादत में, उनके नेतृत्व में कांग्रेस हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और ऐसी बात नहीं है कि जो उस वक्त तंवर साहब को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन ये कांग्रेस की जो गुटबाजी है ये कांग्रेस को बड़ी महंगी पड़ी और पार्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इसका भरपूर फायदा उठाया और ये नहीं होना चाहिए था। ये बात हमने हमेशा हर अवसर पर पत्रकार भाइयों के सामने भी, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे आला कमान है उनको भी हमने ये बताया, लेकिन मुझे ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस का जो रवैया है हरियाणा की कांग्रेस के बारे में, वो एक जिम्मेवार रवैया नहीं रहा और उसका नुकसान कांग्रेस को भी हुआ है और हरियाणा को भी उसका नुकसान। गुटबाजी का हिस्सा तो आप भी रहे सर, आप भी हुड्डा साहब के करीबी रहे और तंवर के खिलाफ रहे? नहीं, हम हुड्डा साहब के साथ रहे, तंवर साहब के खिलाफ हम नहीं रहे। तंवर साहब से हमारा केवल इतना विरोध था कि आपस में जो मिलकर के चलने का एक धर्म था वो नहीं पूरा हो पा रहा था, तो हमने ये कहा कि भाई अगर ये नहीं आपस में चल सकते हैं तो बदलाव करने की ज़रूरत है, तो बदलाव कीजिए। तो ये हुआ है, लेकिन बहुत लेट हुआ है, लेकिन इसकी भरपाई करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन 5 साल में इस हरियाणा के लोगों ने देखा है, हमें विश्वास है कि जो हमारी पिछली साख है, जो इस हरियाणा का हमने निर्माण किया, जो हरियाणा के लोगों के चेहरों पर खुशियां लाने का हमने काम किया, हर मजदूर, हर किसान, कर्मचारी, हर वर्ग को हमने खुशियां बांटी, तो फिर से लोगों के सपनों को साकार करने के लिए हरियाणा के इस चुनाव में कांग्रेस की हम सरकार बनाएंगे। करंदलाल जी पूर्व विधायक भी हैं पलवल के और उन्होंने अपनी पार्टी को अब छोड़ दिया है, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और फिर उन्होंने ये कहा कि कृष्णपाल गुर्जर और करंदलाल तो आपस में मिले हुए हैं और इसलिए बीजेपी के खाते में ये सीट नहीं जाती, तो इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए आप पर? नहीं, ये बेबुनियादी बातें हैं। और इस तमाम जो 5 साल के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन देखा है, हमने विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी इनका विरोध किया है, इनके चेहरों को बेनकाब किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोगों का शोषण किया है, हम इनके साथ ही नहीं हो सकते। तो जो हमारे विपक्ष के भाई इस बात को कहते हैं, वो खुद ही बीजेपी में भाग रहे हैं, बीजेपी में जाने की बात करते हैं, बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ये तो उन्हें खुद इस बारे में सोचना चाहिए। हमारा भारतीय जनता पार्टी से
जो इनकी गलत नीतियां हैं, जो इन्होंने समाज को बांटने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाने का जो इन्होंने षड्यंत्र किया, बेरोजगारों के साथ धोखा किया, किसान मजदूरों के साथ धोखा किया, महंगाई की इतनी बड़ी मार आज हरियाणा के लोगों के ऊपर जो मार पड़ी हुई है, बिजली जो आती नहीं लेकिन बिजली के जो इतने ज़्यादा बिल आम आदमी को देने पड़ते हैं, और इतना बुरा हाल लोगों का हमने कभी नहीं देखा जितना आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में है, तो हमारा इनसे क्या संबंध हो सकता है। लेकिन बीजेपी का तो ये कहना है कि हमने इतना अच्छा काम किया, जनता के लिए हम हमेशा तैयार रहे, और इसलिए हम ये नारा दे रहे हैं कि इस बार 75 पार। विपक्ष हताश है, निराश है। ये इनके साथ जो अटल जी का जब चुनाव था तो इंडिया शाइनिंग का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और उस वक्त ये औंधे मुंह पड़े थे। इस विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके से लोगों को इन्होंने निराश किया है, जिस तरीके से लोगों को इन्होंने झूठे वादे करके उनका जो लाभ इन्होंने कमाया है, इस विधानसभा के चुनाव में आप देखेंगे कि हरियाणा के 36 बिरादरी के लोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और एक फिर से कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनाने का जो हमारा सपना है वो पूरा होगा। आपने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस दौरान आपने महागठबंधन की बातों का जिक्र किया था कि जल्दी ही एक ऐसा गठबंधन वजूद में आएगा जो प्रदेश की दिशा और दशा को बदलेगा। मैंने हुड्डा साहब से भी सवाल किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप गुंजाइश होती है बहुत सारी, अब क्या गुंजाइश है और किसी गठबंधन की कांग्रेस में कि साथ में आपका कहना है कि बीजेपी को हटाना है तो चाहे और जो लोग हैं वो बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आपके साथ आ सकते हैं, या इस तरह की कोशिश चल रही है, कुछ वक्त है अभी इसका? जी हाँ, इसके बारे में जब हमने ये बात कही थी तब ऐसा लग नहीं रहा था कि कांग्रेस के अंदर ये जो बदलाव है ये होगा, हमें ऐसा दिखाई देता था कि शायद कांग्रेस के अंदर बदलाव अब संभव नहीं है, तो इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी के राज को हटाने के लिए उस वक्त ये हमने एक बात शुरू की थी कि इनको हटाने के लिए अगर महागठबंधन भी करना पड़े तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो वो गठबंधन हुड्डा साहब को अलग करके होता, लेकिन आज क्योंकि अब ये नई व्यवस्था जो कांग्रेस के अंदर आई है तो मैं नहीं समझता कि अब जरूरत है किसी गठबंधन की। कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, कांग्रेस का नेतृत्व हरियाणा के 36 बिरादरी के लोगों को अच्छा लगता है, और फिर भी अभी चुनाव में 1.5 महीना बाकी है, अगर हमें ऐसा लगा कि और भी लोगों को जोड़ने से पार्टी को मजबूती मिलती है या इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में हमें कुछ बल मिलता है तो पार्टी से हम इस बात को करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे कि बीजेपी की सरकार को हरियाणा से हटाने के लिए हमें अगर किसी से गठबंधन की भी कोई ज़रूरत है या नए नेताओं को पार्टी में लेने की ज़रूरत है तो उसमें हमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। आपने भी थोड़ी देर पहले खुद ही जिक्र किया कि ये फैसला और जल्दी होता तो और बेहतर होता, अब ये फैसला हुआ, चेंजेस हुए बहुत सारे, अध्यक्ष बदले गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि अशोक तंवर ने भी काफ़ी मेहनत की थी, उन्होंने भी तो उनकी भी जो कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो अब इसके वो नाराज़ हैं तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा आने वाले वक्त में? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या वो साथ दे पाएंगे, सब मिलकर काम कर पाएंगे आप लोग? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो मौजूदा जो नेतृत्व आज खड़ा हुआ है कांग्रेस के अंदर, हुड्डा जी और वेन शैलजा जी, ये एक ऐसे इंसान हैं कि सबको साथ रख करके सबका विश्वास लेकर के ही आगे बढ़ते हैं, तो तंवर साहब या उनके जो साथी अब तक कांग्रेस के अंदर रहे हैं हमें विश्वास है कि हरियाणा कांग्रेस की जो फूट पहले रही है वो फूट अब समाप्त होगी और कोई भी घटक अब अलग से काम ना करके मिलकर के सब काम करेंगे, और सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का मुद्दा है। इस चुनाव के मुद्दे में हमारा ये प्रयास होगा कि चाहे वो किसी भी घटक दल से हैं, किसी भी नेता से उनका संबंध है, लेकिन जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा सकने की क्षमता रखता हो, हम ऐसे उम्मीदवारों को इस विधानसभा के चुनाव में उतारेंगे, और उसके लिए हमने जो काम किया है तो हमें पूरा आत्मविश्वास है कि ये जो विधानसभा का चुनाव है इसमें ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव के जो 75 का नारा इन्होंने दिया है, हमने नारा ये दिया है कि इनको हरियाणा से 75 किलोमीटर दूर फेंक करके, उखाड़ करके फेंक करके इनको वो करेंगे।
आखिरी सवाल मेरा, एक तो ये कि आपको ये यकीन क्यों है कि आपकी सरकार बनेगी कांग्रेस की, और आने वाले वक्त में जब आप चुनाव के मैदान में जाएंगे और अगर एक बार फिर से पलवल की जनता का प्यार आपको मिलता है, तो आपकी प्राथमिकताओं के 3 काम ऐसे कौन से रहेंगे जो आप सबसे पहले पलवल के लिए कराना चाहेंगे? देखिए, एक तो हमारा ऐलान है कि पलवल तक मेट्रो का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इलाके के बहुत सारे हमारे भाई बंधु दिल्ली फरीदाबाद काम करने के लिए कारखानों में या सरकारी कार्यालयों में जाते हैं। तो एक तो मेट्रो का विस्तार करना, एक यहाँ कैंसर की जो बीमारियाँ हैं, हमारा जो नहरों में गंदा पानी आता है, रजवाहों में जो गंदा पानी आता है, यमुना के अंदर जो गंदा पानी आता है, वो जल स्रोत में भी मिलता है और उससे बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं। तो आने वाले वक्त में मेरी सबसे बड़ी जो इस इलाके के लिए जो सेवा होगी वो ये होगी कि यहाँ एम्स टाइप हॉस्पिटल यहाँ पर बने, जिससे कि जो इस इलाके में बीमारियाँ बढ़ रही हैं प्रदूषण की वजह से, गंदे पानी की वजह से, उनसे उन बीमारियों को निजात मिल सके। और एक एम्स टाइप हॉस्पिटल यहाँ अब वक्त आ गया है कि मेवात से लेकर के पलवल फरीदाबाद तक ये एम्स का एक हॉस्पिटल यहाँ बनाना पड़ेगा। तो एक मेरी वो प्राथमिकता होगी। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जो बैराज है, जब तक बैराज हमारे इलाके में नहीं बनेगा, तब तक हमारे इलाके का जो आने वाला वक्त है, पीने के पानी की जो दिक्कत होने जा रही है वो हमारी पूरी नहीं होगी। तो बैराज बनाना। रहा सवाल, हम और हमारा इलाका इतना कमज़ोर नहीं है, हम लड़ना जानते हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं, हम सरकारें चलाना जानते हैं, सरकारों को झुकाना जानते हैं, और किसी भी सूरत में हमें अपने इन सपनों को जो आपने मेरे से कहा है इनको पूरा करने में कोई भी रुकावट मुझे ऐसी नज़र नहीं आती कि ये पूरे ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया करण दलाल साहब तमाम बातचीत के लिए। तो विधायक करण दलाल साहब ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, और साथ ही जो काम वो नहीं करवा पाए, उनका कहना था कि उनके साथ भेदभाव हुआ, हालांकि सरकार कहती है कि हम भेदभाव नहीं करते। अब देखना होगा कि एक बार फिर से वो चुनाव के मैदान में जाएंगे, उनके क्षेत्र के लोग उनकी बातों पर कितना यकीन करती है, और आने वाले वक्त में जो उनकी तरफ से यकीन किया जा रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, उसमें कितना दम नज़र आता है। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।